नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ATLS के बारे में। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके पहले के लेक्चर में वॉयस क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई थी। उसके पीछे कारण ये था कि जो आउटसाइड की नॉइजेस थी वो कुछ ज्यादा हद तक हमारे सिस्टम को प्रभावित की, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होने पाएगा। तो चलिए बात करते हैं ATLS से। ATLS का फुल फॉर्म होता है एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट। एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले पिछले लेक्चर में जितनी भी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ट्रॉमा केयर की जो स्टेजिंग है, इसमें सबसे पहले होता है प्री हॉस्पिटल केयर। इसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं, जहां कैजुअलिटी हुई है वहां पर ट्रायाज उसको एसेस करते हैं और उसके आधार पर कलर कोड देते हैं। हम रिसीविंग हॉस्पिटल को तैयार करते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पर्सन का इनिशियल असेसमेंट होता है, उसका इनिशियल प्राइमरी सर्वे होता है। इस दौरान ये प्राइमरी सर्वे जो पार्ट है, ये शुरुआती जो असेसमेंट का जो पार्ट है हॉस्पिटल में, ये एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का ही हिस्सा है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम प्राइमरी सर्वे करते हैं, उसके बाद एडजुएंट टू प्राइमरी सर्वे हम करते हैं, फिर हम सेकेंडरी सर्वे करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो अब आपको ये कंफ्यूजन बना होगा कि एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है क्या, और इसमें प्राइमरी सर्वे होता क्या होगा और सेकेंडरी सर्वे क्या होता होगा। तो इसको दिखाते हैं, हम आपको एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सर्वे में एक्चुअली पूरी तरीके से हम पेशेंट को एसेस करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सर्वे में हम ए बी सी डी को हम एसेस करते हैं। एयरवे और स्पाइन को हम एसेस करते हैं। इस दौरान हम देखने की कोशिश करते हैं एयरवे पेटेंट है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, या फिर एयरवे में कोई अडजंग तो नहीं लगा है, जैसा कि ओरल हो, नेजल हो, या फिर LMA लगा है, या फिर ETT लगा हुआ है। इसी तरीके से स्पाइन के लिए क्या कंडीशन है, स्पाइन के इमोबिलाइजेशन की क्या स्थिति है, वो शुरू हुई है या मेंटेन्ड है, क्या है, इसमें कोई एडिशनल फाइंडिंग तो नहीं है। इसी तरीके से ब्रीदिंग के बारे में देखा गया है कि ब्रीदिंग खुद से कर रहे हैं, नॉर्मल क्वालिटी है या लेबर्ड ब्रीदिंग है, अब्सेंट है, इन सारी चीजों को, ब्रीद क्वालिटी कैसी है, डिमिनिस्ड ब्रीदिंग तो नहीं है, ऑक्सीजन डिलीवरी कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई है, इन सारी चीजों को हम बात करते हैं। इस दौरान ब्रीदिंग को हम डिटेल्ड वर्कअप करते हैं। वेंटिलेशन और ब्रीदिंग को हम सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर प्राइमरी सर्वे में रखते हैं। फिर सर्कुलेशन की बात की जाती है। सर्कुलेशन को हम जानने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हम पाल्पेबल पल्सेस की कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं, कौन सी पल्स पाल्पेबल है, सेंट्रल या पेरिफेरल या दोनों। कोई पल्स अगर अब्सेंट तो है तो कहाँ है, कैसी है उसकी कंडीशन, CPR कोई स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, एक्सटर्नल ब्लीडिंग का कोई लोकेशन तो नहीं है, कैपिलरी फिलिंग और रिफिलिंग टाइम कितना है, और इस दौरान स्किन का कलर कैसा है। इन सारी चीजों के बारे में जो जानने की कोशिश की जाती है वो सर्कुलेशन के बारे में आइडिया देती है। इस दौरान स्किन का कलर पिंक है, पैलर है, साइनोसिस है या मॉटल्ड है, कंडीशन कैसा है पेशेंट का, वार्म है वो या कूल है या ड्राई है, मॉइस्ट है, इन सारी चीजों को हम सर्कुलेशन के रेफरेंस में जानने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सबसे लास्ट में जो ABCD है, इसमें D का मतलब होता है डिसेबिलिटी या न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है, इसमें हम पर्सन के अलर्टनेस, उसके रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, पेन के लिए रिस्पॉन्स। अब बात समझे, पर्सन अलर्ट है, अगर नहीं है तो क्या जगाने पर वो बोल रहे हैं या नहीं, इसको देखते हैं, या फिर पेन करने के बाद बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को हम वन बाय वन करके एसेस करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट इसके बाद भी अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पर वन बाय वन लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली कंडीशन के एक्सट्रीमिटी के बारे में बता रहा है कि कंडीशन किस हद तक खराब है। अगर बहुत बेहतर है तो पेटेंट होगा, यहीं पर टिक कर दीजिए, बात खत्म हो गई। नहीं है तो ऑब्स्ट्रक्टेड है। ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए कोई एयरवे का अडजंग तो नहीं लगाया गया, उस चीज को यहां पर हमें फिल करके बताना होता है। इसी तरीके से यहां पर देखिए ब्रीदिंग का मामला क्या है। ब्रीदिंग खुद से सांस ले रहे हैं या सांस अब्सेंट है, उसके बाद जैसे जैसे और ज्यादा गड़बड़ होता जाएगा तो हम नीचे की ओर जाते जाएंगे। सर्कुलेशन की बात भी है तो पल्स पाल्पेबल है, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। नहीं है, पल्स अब्सेंट अगर है तो CPR किया गया नहीं किया गया। पल्स अगर अब्सेंट है, CPR किया गया है तो यह भी क्या पता किया गया, कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग है या नहीं है, उसका लोकेशन क्या होगा, उन सारी चीजों को यहां पर देखने की कोशिश की जाती है। ऐसे डिसेबिलिटी या न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको देखने की कोशिश करें तो पेशेंट अगर अलर्ट है तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कंडीशन बिगड़ती जा रही है तो हम किस हद तक बिगड़ी हुई उसको हम यहां पर मेंशन करते हैं। जैसे वो वर्बल पेशेंट अलर्ट नहीं है बल्कि बोलने पर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वी
वाली कैटेगरी आती है। पी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पेन देने के बाद वो रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, अनरिस्पॉन्सिव हैं, इस तरीके की बात, रेस्टलेसनेस कंडीशन है, कॉम्बेटिव है, इन सारी चीजों को, कंफ्यूज्ड हैं, सीजरल सीजर्स आ रहे हैं या केमिकली पैरालाइज्ड हैं, सिडेटेड हैं, इन सारी चीजों को देखना है, उनके प्यूबिल के रिफ्लेक्सेस को देखना है कि वो पीपल रिएक्ट कर रहा है या फिक्स्ड है या स्लगिस है या क्लोज्ड है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर ATLS के प्राइमरी सर्वे में देखते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर ऐड किया जाता है, वो है एक्सपोजर, एक्सपोजर या एनवायरमेंटल कंट्रोल की बात की जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट में प्राइमरी सर्वे में हम देखते हैं एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, बी में ब्रीदिंग जिसमें हम वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन की क्या स्थिति है उसको जानने की कोशिश करते हैं, सी में सर्कुलेशन की बात किया था हम लोगों ने, और अगर कहीं हेमरेज अगर है, सीवियरिटी के लेवल पर अगर कहीं हेमरेज है तो उसको कंट्रोल करने की बात हम लोगों ने किया था, डी में हम डिसेबिलिटी को देखने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोगों ने किया था, ई में एक्सपोजर करते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल को हम देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड सर्वे की जब बात आती है तो यहाँ पर हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, और अब सेकेंड सर्वे में जब प्राइमरी सर्वे करने के बाद उसी दौरान हम उसको सपोर्ट देते हुए जब पेशेंट की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती फिर हम सेकेंड सर्वे में हेड टू टो डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे, इस दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे MIVT यानी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, इंजरी सस्टेंड और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। इसमें एम्पल करके भी एक कोड होता है, चलिए उसको भी डिकोड कर लेते हैं। सेकेंडरी सर्वे में एम्पल का क्या मतलब होता होगा, एम्पल का मतलब होता है एलर्जीज की हिस्ट्री कैसी है, मेडिकेशंस जो करंटली यूज किए जा रहे हैं वो कौन सी किए जा रहे हैं, पी का मतलब पास्ट लाइन कोई सॉरी इस दौरान कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, पास्ट में कोई इलनेस तो नहीं है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, लास्ट मील पर्सन ने कब लिया था उसके बारे में बात करके जानने की कोशिश करते हैं, उन इवेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं जो इंजरी से जुड़ी हुई हैं। तो सेकेंडरी सर्वे में ये काम किया जाता है, पहले तो हम पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ABCDE के द्वारा, जब कंडीशन स्टेबल हो जाती है तब जाकर के हम डिटेल वर्कअप करते हैं, तुरंत हम वर्कअप नहीं करते, इस दौरान हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल के आधार पर भी हम उसको डिफाइन करेंगे, फिजिकली प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, लैब एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ये सेकेंडरी सर्वे में ये काम किया जाता है। तो चलिए जितनी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। ATLS का फुल फॉर्म होता है एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट। इसमें मैंने आपको बताया था जब पर्सन के लिए यहाँ पर तीन कंपोनेंट होते हैं ATLS में, एक होता है प्राइमरी सर्वे और इसमें हम पर्सन को एसेस करते हैं, जो चीजें यहाँ पर सुधारी जा सकती हैं उनको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है एडजुवेंट टू प्राइमरी सर्वे और इसमें तीसरा कंपोनेंट होता है सेकेंडरी सर्वे। तो इसमें ये जो पहले दो स्टेजेस होते हैं, पहले जो दो कंपोनेंट हैं, इसमें हम पेशेंट को इमीडिएटली हम बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ, कैसे ट्रॉमा हुआ है, उसको जानने के बजाय सबसे पहले हम पेशेंट की जो जैसी कंडीशन है उसको हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी सर्वे में हम डिटेल वर्कअप करते हैं। तो ये बात हम लोगों ने कर लिया है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा अभी चर्चा करने जैसी कोई कंडीशन नहीं होगी। बहुत जल्दी ही यहाँ पर आप समझ लें कि जो प्राइमरी सर्वे होता है इसमें पर्सन को बहुत जल्द ही हम एसेस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है, उसको कैसे स्टेबल किया जाए, अगर उसको स्टेबल न किया जाए तो डेथ हो सकती है, इसलिए हम डिटेल वर्कअप की बजाय हम तुरंत उसे एसेस करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बार ये बात यहाँ पर किया जाएगा कि पल्स नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो आप समझ लें रेडियल पल्स कब नहीं मिलता है। इसी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पाए जो भी पल्स हम चेक करते हैं वो कब नहीं मिलता है, तो रेडियल पल्स जब सिस्टोलिक बीपी 80 से कम हो जाता है तब रेडियल पल्स हमें पता नहीं चल पाता। ऐसे ही फीमोरल पल्स तब हमें नहीं पालपेट हो पाता है जब 70 mmHg से बिलो सिस्टोलिक बीपी हो जाए। ऐसे ही कैरोटिड जो पल्स है वो 60 mmHg से बिलो, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 60 mmHg से बिलो होने पर कैरोटिड पल्स हमें पालपेबल नहीं हो पाता। इसी के लास्ट में जब हम देखते हैं नीचे की ओर डार्सेलिस पेडिस के जब हम पल्स को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर डार्सेलिस पेडिस में पल्स तब हमें नहीं मिलेगा जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से बिलो हो चुका होगा। तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और लेस किस लेवल तक गिर चुका होगा। तो बॉडी में डिफरेंट जगहों पर हम पल्स चेक करते हैं, उसके अपने अपने लोकेशन है और वो मोर और लेस
किस हद तक पल्स गिरा हुआ है उसके बारे में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस हद तक डाउन हो चुका है, गिर चुका है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए एक छोटी सी जानकारी के बाद अब वापस लौटते हैं हम प्राइमरी सर्वे या प्राइमरी असेसमेंट के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें पर्सन को तुरंत हम असेस करते हैं, उनकी कंडीशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसमें एयरवे, सर्वाइकल, स्पाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीजें यहां पर होती हैं, एयरवे और सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करने का प्रयास, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन की क्या कंडीशन है उसको जानने का प्रयास और उसको स्टेबल करने की कोशिश, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन और इस दौरान हम हेमरेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डी का मतलब होता है डिसेबिलिटी अगर कोई है तो किस हद की है और इस दौरान न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पर्सन की कैसी है और उसको कैसे उस स्तर पर, उस लेवल पर कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं, और ई का मतलब होता है एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो यहां पर ए बी सी डी ई, इतने कंपोनेंट्स पर हम बात करते हैं प्राइमरी सर्वे में। अब हम लोग वन बाय वन यहां पर ए से हम स्टार्ट करेंगे एयरवे के बारे में बात करने से। तो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है कि प्राइमरी सर्वे का फॉर्म कैसा होता है और उसमें किस तरीके से हम एयरवे की कॉम्प्लेक्सिटीज को वन बाय वन हम लेकर के चलते हैं। उन सारी चीजों पर हम लोगों ने जो देखा था फॉर्म में, लगभग उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटीज में धीरे धीरे करके उतरने का प्रयास करेंगे। तो एयरवे के असेसमेंट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि एयरवे पेटेंट है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो क्या उसको ओपन करने के लिए कोई एडजुएंट लगाया गया, ओरल, नेजल या एलएमए, अगर एलएमए लगाया गया तो उसकी साइज क्या है, क्या कुछ और डिवाइसेज यहां पर लगाई गई हैं एयरवे एडजुएंट के रूप में, या फिर ईटीटी लगाया गया है, वो लगाया गया है तो कितने सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, स्पाइन की कंडीशन क्या है, स्पाइन को इमोबिलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं, या कोई एडिशनल फाइंडिंग है तो उसको मेंशन किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एयरवे की इस तरीके से असेसमेंट में क्या क्या चीजें हमें पता चल सकती हैं। तो कई बार ये होता है कि एयरवे अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अलग अलग तरीके से हमें साइन पता चलते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि पर्सन सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें हमें टैकिपनिया या फिर नॉइजी ब्रीदिंग, स्ट्राइडर जिसे हम कह सकते हैं, इसमें इसी वजह से चूंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होगा तो एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस होगा। तो ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या किया गया, उन सारी चीजों को हमें वहां पर मेंशन करना होता। हम देख रहे थे ना कि किस तरीके से वहां पर स्टेज जैसे जैसे हम नीचे की ओर पहुंचते जा रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं कि अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है तो पर्सन प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहा है, टैकेपनिया है, नॉइजी ब्रीदिंग है, सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, और सांस जब सही से, ब्रीदिंग सही से नहीं होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस हो जाता है यहां पर। अब यहां क्या एयरवे को ओपन करने की कोशिश की गई है, इस बात को हमें देखना होगा, क्योंकि एबनॉर्मल ब्रीदिंग अगर मिल रही है तो उसको तो हमें ठीक करना होगा, उस समय कंडीशन को स्टेबल करना होगा। तो एयरवे को ओपन करने के लिए क्या किया गया है, तो हम जानते हैं कि एयरवे को ओपन करने के लिए आमतौर पर जा थ्रस्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान एयरवे को ओपन करने के लिए अगर कोई एडजंक्ट का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन सारी चीजों को मेंशन किया जाता है। एडजंक्ट को हम लोगों ने देखा था ना फॉर्म में हम टिक करते हैं, तो एडजंक्ट है तो किस तरीके का है, उन सारी चीजों को मेंशन करते हैं। यहां पर समझ लें, एयरवे को ओपन करने के दौरान हमें जॉ थ्रस्ट मेथड अपनाना होता है, जिसमें केवल और केवल हम मैंडिबल को मूव करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं अभी स्पाइन की क्या कंडीशन है, और स्पाइन को बिल्कुल भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि हमें नहीं पता स्पाइन की स्थिति क्या है। तो इसलिए हम केवल और केवल एयरवे को ओपन करने के प्रयास में जॉ थ्रस्ट मेथड की मदद से केवल मैंडिबल के मूवमेंट पर हम कोशिश करते हैं कि एयरवे ओपन हो जाए। इस दौरान किसी एडजंक्ट की जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है उसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है। तो एयरवे एडजंक्ट की जरूरत पड़ी है या नहीं इसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है। तो एडजंक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो टंग का फॉलिंग है उसको रोका जा सके। तो किस एडजंक्ट का आपने इस्तेमाल किया उसको भी हम यहां पर मेंशन करते हैं। इस दौरान कोई ओरो या नेजो फेरिंजियल, ओरो फेरिंजियल कोई एयरवे का कोई एडजंक्ट इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, उसको आपने फॉर्म में देखा था ना हमें मेंशन करना होता है। इस दौरान अगर कोई
कोई लैरिंजल एयरवे, अगर कोई टेक्निक अपनाई गई है, कोई ईटीटी ट्यूब डाला गया है, तो उन सारी चीजों को यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ता है। तो ईटीटी ट्यूब ईटीटी का मतलब होता है इंडोट्रैकियल ट्यूब, इसमें ट्यूब की लेंथ कितनी है, उन सारी चीजों को हमें फॉर्म में मेंशन करना पड़ता। तो आपको पता है ना, ट्यूब को हम डायरेक्टली हम इन करते हैं और यहाँ पर ईटीटी ट्यूब में एक कफ लगा होता है। यहाँ पर अभी मैं इमेज में दिखाऊंगा कि यहाँ पर प्रॉपरली ईटीटी ट्यूब में एक कफ लगा होता है और ये जो ईटीटी ट्यूब होता है ये बाइफर्केशन जहां पर होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के उसके जस्ट ऊपर ही हम इसे यहां तक ट्यूब हम लेकर के आते हैं। तो जस्ट बिफोर बाइफर्केशन यानी T4 के लेवल तक, यानी T4 यानी आप समझ सकते हैं कि थोरैक्स के चौथे लेवल तक हम आप समझ रहे हैं ना, सर्वाइकल, फिर उसके बाद थोरैसिक जो वर्टिब्री है उसके T4 लेवल तक, हम थोरैसिक वर्टिब्री के फोर्थ लेवल तक यानी T4 लेवल तक हम इस ट्यूब को लेकर के आते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं लेविस एंगल तक हम ट्यूब उससे जस्ट ऊपर ही हम रखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया है ना, इस कफ के साथ ये ईटीटी ट्यूब लगा होता है क्योंकि पर्सन को इस कफ की मदद से ईटीटी ट्यूब को फिक्स करने में मदद मिलती है क्योंकि पर्सन काफी हद तक अनरिस्पॉन्सिव है और वो ट्रॉमा की कंडीशन है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि बगल से गुजर रही जो ओसोफेगस है उसका कोई अगर बैक फ्लो होता है तो वो यहां पर रिस्पायरेटरी का जो ट्यूब है इसमें आ सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर कफ लगा होता है। तो ये फिक्स होते हैं, ईटीटी ट्यूब को फिक्स कर देते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड जो कि यहां से ओसोफेगस के रास्ते यहां पर पहुंच सकती है। इसके द्वारा ये एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं लैरिंजियल एयरवे के इस टेक्निक में ओरल ईटीटी एंडोट्रैकियल ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक सिंड्रोम की बात कई बार पूछी जाती है, मेंडेलसन सिंड्रोम की बात हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें, मेंडेलसन सिंड्रोम एक्चुअली एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस को कहा जाता है। इसमें एसिडिक गैस्ट्रिक फ्लूइड सीधे तौर पर लंग के टिश्यू को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एसिडिक गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो लंग के टिश्यू में पहुंच जाता है एस्पायर होने की वजह से, और इसमें ये नॉन इन्फेक्टिव एस्पिरेशन है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एसिडिक नेचर का गैस्ट्रिक फ्लूइड होने के नाते लंग टिश्यूज यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए ईटीटी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इंडोट्रैकियल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईटीटी ट्यूब की में आजकल काफी सुधार हो चुका है और अब इसमें काफी हद तक एडवांसमेंट होने की वजह से अब फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप को प्रीफर किया जाता है। इसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू ईटीटी। अब ये ज्यादा बेहतर ऑप्शंस के साथ हमारे पास अवेलेबल है फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप। ये इसलिए प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें विजिबिलिटी के भी तरीके अपने आप में साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा तौर पर आजकल प्रीफर किया जा रहा है। हालांकि जो ओरल ईटीटी है ये एयरवे को ओपन रखने के लिए एक बहुत ही बेहतर मेथड है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहा जाता है एयरवे को ओपन रखने के लिए ईटीटी को। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन भी है, फाइब्रर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप भी अब हमारे पास अवेलेबल है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड मानी जाती है वो ईटीटी ट्यूब आज भी मानी जाती है, लेकिन ऑप्शंस जैसे जैसे बेहतर होते जाते हैं वैसे वैसे हमें एडवांस्ड नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने किसकी बात किया, हम लोगों ने बात किया नॉर्मल एयरवे को, मीन्स नॉर्मली किस तरीके से एयरवे को हम लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें अलग अलग तरीके के प्रयास किए, हम लोगों ने एडजंक्ट के इस्तेमाल किए, कुछ मामलों में हम सर्जरी करके एयरवे को ओपन करने के लिए या एयरवे को मेंटेन करने की कोशिश करते। तो सर्जिकल एयरवे को कैसे, सर्जिकली हम कैसे एयरवे को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉमा की कंडीशन में जो मान लीजिए अपर जो माउथ या फिर नेजल जो पाथ है वो इस हद तक इंजर्ड हो गया कि वहां से बिल्कुल भी एयरवे को पास करा पाना पॉसिबल नहीं है, वहां से एयरवे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी से, तो हम सीधे तौर पर ट्रॉमा के ऐसे मामलों में हम स्पेशली सर्जरी करके हम एयरवे तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत कम समय लगता है, इसमें क्रिकोथायरॉयडोटोमी करने की कोशिश की जाती है, इसमें क्रिकॉयड और थायराइड कार्टिलेज के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पंक्चर करके
करके हम एयरवे बनाते हैं। तो इसको भी मैं एक इमेज के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर हम निडल या ट्यूब इसके द्वारा हम डाल करके हम तुरंत एयरवे हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, मीन्स एक नया रास्ता देने की कोशिश करते हैं कि पर्सन को ब्रीदिंग में कोई दिक्कत ना हो। एयरवे मीन्स जो एयरवे है वो प्रॉपर अगर नेचुरल नहीं बनाया जा सकता तो सर्जरी करके हम एयरवे को बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हम निडल या ट्यूब को हम वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब को कहाँ पर हम प्लेस करते हैं, तो ट्रैकिया में इन्फ्लेट कर देते हैं, जहां से बाइफर्केशन स्टार्ट होती उससे थोड़ा सा ही ऊपर तक हम इसको रखते हैं इसके लेवल को। और मैंने आपको बताया था एंडोट्रैकियल ट्यूब को ट्रैकिया में किस तरीके से प्लेस किया जाता है उसको जानना जरूरी है। यहाँ पर वो मेथड दिखाया जा रहा है जिससे एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट किया जाता है, लेकिन अब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि और अच्छे तरीके से काम करते हैं। इस इमेज में ईटीटी को दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर कफ इन्फ्लेटेड है, इस चीज को आप देख सकते हैं। ये एसोफेगस का पार्ट और एसोफेगस से ही एस्पायर यहाँ से कोई बैक फ्लो मीन्स जब कोई वॉमिट के द्वारा कोई कंटेंट यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में न जा सके के उसको बचाने के लिए यहाँ पर इन्फ्लेटेड कफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस इमेज में आपको क्रिकोथायरॉयडेक्टमी के होते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, ये कुछ ही 15 से 20 सेकंड के भीतर ये प्रक्रिया हो जाती है। थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच के जो क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन होती है उसको हम कट करके यहाँ से एक रास्ता एक पाथ हम देने की कोशिश करते हैं, बाईपास हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम निडल या ट्यूब यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिकोथायरॉयडेक्टमी आमतौर पर बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ये रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है चिल्ड्रंस में और खास तौर पर उन बच्चों में जिनकी 11 ईयर से कम एज होती है। क्यों? क्योंकि ये लैरिंजियल स्टेनोसिस करा सकता है, तो इसलिए बच्चों में ये रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है और इसलिए हम बच्चों में इस प्रक्रिया को नहीं कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा भी हम लैरिंजियल जब ट्रॉमा बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा 11 ईयर से कम उम्र के बच्चों में एयरवे को हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ट्रैकियोस्टोमी को कब कराने की जरूरत पड़ती है? ऐसे मामलों में जब लैरिंग्स बुरी तरीके से प्रभावित हो गया हो, लैरिंग्स बुरी तरीके से डैमेज हो चुका हो, इसलिए थायराइड और क्रिकॉइड के बीच का जो ये क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन है वहां पर पंक्चर कर पाना पॉसिबल ना हो, इस चीज को लैरिंग्स के एनाटॉमी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज का इंपॉर्टेंस, इसके बीच में कहां पर क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन होती है, कैसे यहां पर क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी क्रिकोथायरॉयडोटॉमी कैसे करते हैं उस प्रक्रिया को बताया है। तो अगर ये सारा का सारा पार्ट लैरिंग्स का है, अगर वो डैमेज हो चुका है तो हमें ट्रैकियोस्टोमी करने का एक ऑप्शन बचता है। तो ट्रैकियोस्टोमी कब करते हैं? बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीवियर लैरिंजियल ट्रॉमा में करते हैं। इसके अलावा क्रिकोथायरॉयडोटॉमी चूंकि 11 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जा सकता, तो 11 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों में ट्रैकियोस्टोमी की जाती है। इस दौरान हम एक ओपनिंग देते हैं ट्रैकिया में थ्रू द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स, और इस दौरान हम एक ड्वेलिंग ट्यूब को प्लेस करते हैं और इस तरीके से एक आर्टिफिशियल एयरवे यानी एक अपने द्वारा हम एयरवे बनाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर इसकी जरूरत तब पड़ती है जब लॉन्ग टर्म एयरवे के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रैकियोस्टोमी का क्या इंडिकेशन है? जब सीवियर लैरिंजियल ट्रॉमा हो जाए और या फिर बच्चे की उम्र 11 ईयर से कम हो। और यहाँ पर एक बात और भी याद रखना है कि लंबे समय तक अगर हमें आर्टिफिशियल एयरवे से ब्रीदिंग देनी है तो भी ट्रैकियोस्टोमी ही अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एयरवे और सर्वाइकल स्पाइन के स्टेबलाइजेशन की बात सोचते हैं, तो एयरवे तो हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट पर समझ लिया। चलिए अब देखते हैं सर्वाइकल स्पाइन के स्टेबलाइजेशन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस दौरान पेशेंट को हार्ड सर्वाइकल कॉलर, आपने देखा भी होगा बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ड सर्वाइकल कॉलर पहनने को बोला जाता है। इस लेडी को आप देख सकते हैं किस तरीके से हार्ड सर्वाइकल कॉलर ये लगाई हुई है। तो इस तरीके के कॉलर की मदद से, हार्ड सर्वाइकल कॉलर की मदद से सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये देखने के लिए कि पेशेंट का बैक साइड कैसा है, तो हम जैसे मान लीजिए कि सर्वाइकल ये जो स्पाइन है उनको थोड़ा भी हमें छेड़ना नहीं है, और उसी समय अगर बैक साइड में पेशेंट को
देखने की मजबूरी हो तो पेशेंट को एक लॉग रोल टेक्निक के द्वारा हम पेशेंट को पलटने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लें लॉग रोल। लॉग रोल कैसा होता है, जैसे लकड़ी का एक बंडल होता है उसको हम जैसे रोटेट करते हैं, ऐसे ही फोर हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर्सन को पूरा का पूरा एक साथ बॉडी को घुमाते हैं। इसमें सर्वाइकल स्पाइन पूरी तरीके से बॉडी के साथ ही रोटेट करती है। इसमें हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि थोड़ा भी हिले डुले सर्वाइकल स्पाइन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सर्वाइकल स्पाइन की कंडीशन क्या है। अगर सर्वाइकल स्पाइन हमारी गलती से डैमेज हो जाएगी तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी। इसके अलावा पेशेंट को अगर एक जगह से दूसरे जगह तक अगर ले जाना है तो एक स्पेशल किस्म के बोर्ड की मदद से हम उसे शिफ्ट करते हैं, स्पाइन बोर्ड के द्वारा हम उसे शिफ्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है एयरवे के बाद वो है ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग को कैसे हम एसेस करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।